प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, बोल सतगुरु। प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए निःशब्द के द्वारा सब कुछ दे रहे हैं। यह गाधा भाई निमित्त बिन निरक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचा रहा है ताकि आप जाग सके। तो प्यारे सत्संग जी, आज 7/6/2022 है और मैं आपके समक्ष अंदर तेरे सपने रहते वायर मन का धोखा जान, चौथा अमर लोक प्यारो महाचेतन सुरति स्थान, इसके विषय में सारी जानकारी दूंगा। दो सत्संग दूंगा, एक पहले, फिर कुछ ब्रेक के बाद दूसरा आपको दे दूंगा। तो शीर्षक यही होगा, आज मैं कोई आपके सामने गा के कुछ नहीं रख रहा, सिर्फ प्रवचनों के लिए आ रहा हूँ। तो आइए हम चलते हैं प्यारे सत्संग जी। कल ही आपके लिए जो कदम में आया वो आपके सामने रखने की चेष्टा कर रहा हूं। तो पहला ही दोहा आता है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, के कबीर भेदी लिया पल में लिखावे बात। कबीर साहब क्या कुछ लिख के गए लेकिन संसार भ्रमों में पड़ गया, क्योंकि उन्होंने निरंकार के विषय में भी बहुत कुछ लिखा। तो संसार की बात छोड़ो, जो बड़े बड़े व्यक्ता हैं बोलने वाले, वो भी नहीं कबीर साहब को समझ सके, उसी से सारा भ्रम फैल गया। तो अब इसलिए मैं कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा जिससे कि मैं ओंकार को भी वही स्थान दूं जो सतपुरुष का है। मैं निरंकार को निरंकार का स्थान दे रहा हूँ, सतपुरुष का सतपुरुष को। तो इसलिए, क्योंकि जब शुरू में आदमी भक्ति होता है तो वो निरंकार की ही करेगा। जब मैं निरंकार की भक्ति में था तो मैंने कुछ नहीं लिखा, फिर मैं खामोश था, मुझे कोई पता ही नहीं था, मैं एक साधक था। और जब सतपुरुष की दात मिली तो उन्होंने ही हुक्म किया कि संसार को जगाओ, काम करो, मैं नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे दो शब्द दिए, एक सार शब्द है, एक सूरत शब्द है, जिनका नाम वह नाम शब्द रखा गया है। वह नाम शब्द में दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए जो दोया इन्होंने लिखा है वो बड़ा समझ के लिखा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में लिखावट पर। जब तक आपको पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेगा तो आप भरमोर मरेंगे। इसलिए संसार में इस समय बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, क्योंकि सब निरंकार की सीमा में अटके हुए। जितने बोलने वाले हैं सब निरंकार की ही भाषा बोल रहे हैं और वही चल रहे हैं। इसलिए संसार बेचारा क्या करे, जैसे गुरुवा लोग होंगे वैसे ही तो संसार कहाँ से सीखेगा। मैं इस फील्ड में कोई इतनी मेरा पहचान नहीं है, इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। तो है, ये तो चीज़ होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जितनी मुझसे चेष्टा होगी मैं करूँगा। बाकी जो आपके अच्छा लगे, जो आपको बुरा लगे अपना लो, कोई बुरी बात नहीं। फिर अगले जन्म में फिर देख लेना, उससे अगले में और देख लेना,
तो अगर जन्म मरण मकाना है तो पूर्ण सदगुरु एक को ही ढूंढना पड़ता है। जहां भीड़ होगी तो वहां कहां सत होगा, भीड़ में सत नहीं होता, भीड़ में तो पॉलिटिक्स होती है, भीड़ में नेतागिरी होती है, भीड़ में वर्म होता है, भीड़ में धोखा होता है। इसलिए जहां जहां भीड़ बनी वहां धोखा ही संसार को मिला, धोखा ही धोखा हर जहाँ, फरेबी जहाँ मन, सच्ची जो राह दिखाए वो तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। बड़े तगड़े भजन उन्होंने लिखवाए हैं, लेकिन हर बार भजन नहीं, क्योंकि भजन जो है कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन लगता है। घर में कोई भजन सुन रहा हो, कोई उनकी पत्नी भजन सुन रही है तो अंदर दाखिल होते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं हमको सुनो, क्या लोगों को सुनते हो? तो उस बेचारी के पास कोई जवाब नहीं होता। किसी की कोई बहन सुन रही है भजन तो वो कह रही क्या सुन रही है? तो क्योंकि संगीत के साथ वैर और विरोध भी है, संगीत से प्रेम है, संगीत से वैर और विरोध। तो इसलिए मैं बीच में कभी बोलूंगा और बीच में प्रवचन दूंगा। तो आज मेरी तर दोनों सत्संगों में प्रवचन की है। पहले सत्संग जी, बाहर जाओगे तो धोखा है, अंदर भी तुम्हारे जब तक तुम जागो नहीं तो वहां सपने, अंदर तेरे सपने रहते, बाहर तेरे अपने, वो भी रिश्ते नाते। जे तुम अपने अंदर से अंदर जाता जाए फिर ही वह मिल पाता है, उसके बिना नहीं मिले। तुम मेरे प्रवचनों को बड़ा लाइट लेते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट था और इस फील्ड में आया, और अभी मैं बहुत काम कर सकता था उस फील्ड में, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी बॉडी फिट थी, मेरी वाणी ठीक थी, मेरे पास हाल था, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ था। लेकिन सतपुरुष का जब हुक्म मिला क्या इधर ही चलना, तो वो सब कुछ छोड़ दिया, और यहाँ आपसे कुछ लेता भी नहीं हूं मैं। एक दसी भी आपसे नहीं लेता हूं, सब काम खुद करता हूं, सब काम खुद करता हूं, हर चीज खुद करता हूं, लोगों की सेवा भी अपनी पेंशन से करता हूं, जितनी मुझसे हो सकती है करता हूं। कोई दुखी मिले तो मुझे उसका दुख जो है वो बहुत दुख लगता है, और मैं उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ता हूं। इसलिए अंदर भी तुम्हारे, तुम सिर्फ सपने और सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, तुरियावस्था तक भी तुम नहीं जाते, और फिर तुरियातीत कहाँ जाओगे, फिर ज्ञान देय में कहाँ जाओगे? ये तन है अंदर, तुम सिर्फ शुद्ध शरीर तक रहते हो, तो शुद्ध शरीर में तुमको सपनों के सिवा क्या मिले? इसलिए भाई तुम्हारे आशा तृष्णा में दौड़ रहे हो। और दूसरी बात सबसे बड़ी है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये 14 इंद्रियां आपकी प्यारी सत्संग जी, सबके सबके दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, किसी का दरवाजा अंदर की ओर खुलता ही नहीं। आंखें देख लो बाहर खुलती, कान देख लो बाहर है, नासिका देख लो बाहर है, मुख देख लो बाहर है, शीशी इंद्री देख लो बाहर है, उदास्थान पर मतलब हाथ आपके दोनों बाहर है, पांव आपके दोनों बाहर है, सारी इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार वो भी तुमको बाहर ले जाते। मन बुद्धि चित्त अहंकार कभी अंदर नहीं ले जाते, ये इसी तरह कहते हैं कि चित्त चित्त कुछ हद तक तुम्हारी सहायता करता है, बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं करती, वो तो पूरा मन का अनुकरण करती है, और चित्त भी तो जो मन बुद्धि देती है उसी का सारा हिसाब किताब करती है, उसी का लेखा जोखा करती है। लेकिन
एक छोटी सी झलक में वो आपकी सहायता करती, कुछ करती है, बस यही समझ लो 10% विचारी करती, 90% तो कर नहीं पाती, तो वो 10% में भी तुम 1% जाते हो, 2% पे वापस मन तुमको खींच के ले आता है। इसलिए तुम्हारे दरवाजे जब सब बाहर खुलते हैं तो तुम बाहर दौड़ते हो, अगर कोई अंदर दरवाजा खुले तो तुम अंदर दौड़ो। हाँ, अंदर दरवाजा है, ऐसा नहीं। जब सुषमना खोलोगे, नासिका तुम्हारी है, सुषमना ऊपर, सुषमना जब तुम खोलो तो उसका दरवाजा अंदर से, उसका दरवाजा बाहर, बाकी तुम्हारी इंद्रियों के दरवाजे सब बाहर है, लेकिन सुषमना तुम्हारी जो है वो अंदर ही की ओर ही चलती, उसका दरवाजा अंदर है, और लंबा है 10वें द्वार तक। इसलिए जब तुम अंदर की दुनिया में जाने की चेष्टा करोगे तो प्यारे सत्संग फिर ही कुछ मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे अगर शुद्ध शरीर सुषुप्ति अवस्था निद्रावस्था तक रहोगे तो फिर वहां तक सपने। सुषुप्ति में तुम जाते हो और स्थूल शरीर में एक चीज और बड़ी विचित्र है प्यारे सत्संग जी, इसमें मन और माया का जाल फैला, ये मन और माया का जाल जो है इसमें कभी तालमेल नहीं जुड़ती, और ये सदा तुमको बाहर को और ले जाती। इसलिए कबीर ने कहा, भेदी लिया पल में लिखावट बस, सतगुरु बिन बात बने नहीं कोई कोटन करे पाए, जिस जान जिन जानिया तीन रंग माने, जो जानेगा वही इसकी पहचान कर पाए। इसलिए आपसे यही कहता हूं, पूर्ण सतगुरु ढूंढो, पूर्ण सतगुरु के बात बनेगी नहीं। और ये गधा भाई सच बोलता है, पूर्ण दात लेके आया हूं, सतपुरुष की दात आपको दे रहा, लोक लोकांतरों की यात्राएं करी, सब कुछ किया, निरंकार भगवान की भक्ति करते करते सतपुरुष के दायरे में पहुंचा, और लिखना मैंने उसी समय शुरू किया जब सतपुरुष की दात में मैंने निरंकार की सीमा में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए मेरे सारे भजन, मेरा सब कुछ सतपुरुष के सामने रखा हुआ, वही लिखाने हार है, उन्होंने सब भेजा, उन्होंने सब किया, मैं कुछ नहीं करता। करण करावन आपे आप, मानस के कुछ ना ही हाल। अगर तुम इस निरंकार के हवाले करता डाल दोगे तो बड़ा दुख, उसमें बहुत समय तक जो बोलते रहे उनको भी धोखा मिला, फिर जब सत्य को जाना तो लोगों ने सत्य उनका नहीं पकड़ा, वही काल का ही सारा पकड़ा, ओंकार भगवान का सारा पकड़ा, और कुछ नहीं पकड़ पाए। वो बेहद बाद में चलाए, लेकिन उन चीजों को लिया ही नहीं गया पुस्तकों में उनकी, जो उन्होंने अपने आगे शेप दी उसमें उनको नहीं दिया गया, उन दोनों को नहीं लिया गया, उनको छोड़ दिया गया, पता नहीं क्या ये किसने बीच में डाल दिया। ये अडम्बना है सबसे बड़ी, अंदर तेरे सपने रहते बाय आशा तृष्णा का साथ, अंदर सपने हैं बाय आशा और तृष्णा, इसलिए हर इंसान बाय ढूंढ रहा है। तभी राबिया ने बड़ी सुंदर हसन को मिसाल दी थी, लोगों के सामने मिसाल रखी कि मेरी सुई तो अंदर गुम हुई, लेकिन चूंकि अंदर मेरे पास दिया भी नहीं, तेल भी नहीं है, मैं अंदर कैसे ढूंढू, मैं उसको ढूंढ रही हूँ यहाँ बाहर, क्योंकि यहाँ लैब है लगा हुआ गवर्नमेंट का, तो वहां मैं ढूंढ रही। जब किसी सियाने ने पूछा कि बाबा तुम्हारी ये तो बताओ तू यहां ढूंढ रही है सुई गिरी का, उसने कहा गिरी तो मेरे कमरे में थी, लेकिन चूंकि वहां अंधेरे, वहां मैं क्या ढूंढू, अंधेरे में क्या ढूंढू, तो अंधेरा है, इसलिए बाहर लाइट में ढूंढने आगे। तो हर संसार क्या कर रहा है, वो कहता है अंदर क्या ढूंढना, अंदर तो अंधेरा है, इसलिए तुम बाहर ढूंढ रहे, अपने अंदर नहीं जा रहे। और जितनी भक्ति तुम्हारी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जो बाहर बाहर बना लिया, आप मूर्ति पूजा देख लो बाहर, तीर्थ स्थान देख लो बाहर है, कोई भी चीज जो तुम्हारे
अंदर सब कुछ है लेकिन तुम बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर जाने में तुम्हें परेशानी को कह दे रहा है। लाइट यहां लाइट बनानी पड़ती है, अंदर लाइट आपको खुद बनानी पड़ती है, बाहर जो लाइट है ये दुख है, दुख पर इसी को आप लाइट समझ रहे, इसी को आप दिन कहते हो, दूसरे को जब सुन हो जाता है तो रात कहते हो, सो जाते हैं सर, जहां मर्जी रात जहां पड़ती वो रात में चले जाते। इसलिए सारा भ्रम ये तेरे अंदर सपने रहते, बाहर आशा तृष्णा का साथ, अंदर बाहर दोनों के, तुम अंदर भी इस तरह से जो है छोड़ दो अंधेरे को, बाहर को भी छोड़ दो, तुम खुद चेतन, तुम आत्मा, और आत्मा दो यूनिट से बनी, सुरती और निर्ति से बनी, ये दोनों चेतनाएं, चेतन है तो सुरती अंदर सारा काम कर रही, निर्ति तुम्हारी श्वास में पल पल काम कर रही। जब तक ये दोनों धड़कने हृदय की और श्वास की चलती है तो ये जीवन कहलाता है, जब ये चली जाती हैं दोनों तो आप शरीर मृतक हो जाता है। इन दो के कारण जीवन है, इन दो के छोड़ने से मृत्यु है, तो फिर तुम तो यही सोच लो कि सुई कहाँ, तुम्हारे पास ही है, अगर गिरी भी तो वहां अंदर ही है, कोई चिंता की बात नहीं, पर तुम वहां जाते ही नहीं, वहां तुम देखते ही नहीं, वहां तुम्हारी कोई अपनी पहुंच ही नहीं बनाई। बड़े बड़े वक्ता बोल रहे हैं कि यूट्यूब में बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बड़े अच्छे प्रवचन दे रहे, परंतु सबको अंधा बनाया, अंधे अंधे ठेले दोनों को पड़त, अंधे का अंधा सहारा लेगा तो दोनों को पड़त, दोनों कुएं में गिरे। इसलिए जब अंधे से अंधा रास्ता पूछेगा और हाथ पकड़ेगा तो दोनों कुएं में गिरे। किसी बार अचानक जैसे एक सड़क पर एक लेडी खड़ी थी, वो सड़क पार करना चाहती थी कुछ करा दे, तो एक दूसरा अंधा आया, उसने फटाफट उस लेडी का हाथ पकड़ा, मुझे पार, दोनों चल पड़े, पार पहुंचे, तो जो अंधा था उसने उस लड़की का औरत का धन्यवाद किया, उसने कहा धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, उसने कहा कैसे, आपने मुझे रात सड़क पार करवाई, मैं धन्यवाद करूं और आप धन्यवाद करो, उसने कहा बाबा दोनों की बातें, अंधे अंधे ठेलिया दोनों भूप पड़त। इसलिए प्यारी सज्जन जी कभी किस्मत से पार हो जाते और सड़क पार कर गए, छोटा सा सफर था तो पार कर। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, प्यारे सत्संग जी प्रवचन तो देता हूँ लेकिन कोई जागने की चेष्टा नहीं करता, बोध दिए बेभा दिए, 1000 पहले दिए और अब इस कोरोना के पीरियड तक मैंने 890 बल्कि एक दो दो घंटे का है, दो सत्संग दो दो घंटे के लिए, तो अगर एक एक घंटे का लोग तो 92 दे दिए और 93 बोल रहा, तो इसलिए प्यारे सत्संग जी आप जागने की तरफ चलना नहीं चाहते। और एक बात और बताऊं, आपको अगर जिनको दीक्षा भी मिली है, ये सब कुछ मिला है, वो भी शरीर को पकड़ने की चेष्टा में, सब एक तो आशा तृष्णा और दूसरा तन पकड़ा हुआ, और मैंने आपको बोला था तीन प्रकार के संसार में लोग हैं और चौथे डालो निष्दाम के तो चार हैं, और चौथे में भी दो भाग हैं, एक वो हैं जो सिर्फ भक्ति की दुनिया में जाना चाहते हैं और अपनी आत्मा को चेतन बनाना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो आशा तृष्णा अपनी पूरी सतगुरु के द्वारा करना चाहते हैं, उनके कोई काम रुके तो हो जाए और शरीर कभी बीमार हो कुछ हो जाए तो फटाफट फिर सतगुरु को फोन करें बचाओ। ये जो शरीर को पकड़ना है ये संसार है, सब दौड़ पड़ते हैं बस बचाओ, तूफान आ गया बचाओ, बाबा नॉर्मल रहो, तुम अगर
मालिक को पाया है तो अब शरीर के विषय में इतनी थोड़ी क्यों? शरीर ने एक दिन जाना है ना, तो इतनी पकड़ तो इतनी पकड़ से ही फिर दोबारा जन्म हो जाता है। जब तुम शरीर को इतना ज्यादा पकड़ते हो, फिर मिडल वही है ना, मिडल वही है जिसने सदगुरु को भी धोखा दिया, सतपुरुष को भी धोखा दे रहा है और लगा वहीं पर है जहां वो था। शरीर को बचाना है, आशा तृष्णा को पूरा करना है। कोई कहता था जी मैं तो आपके साथ जुड़ा हूं, मेरा भाई नहीं जुड़ा, मेरा बेटा या बेटी, कोई बात नहीं, उनका काम वो भी तो मेरे हैं, तो अगर मैं आपके साथ जुड़ी हूं तो उनका भी काम तो आप करें। देखा, मतलब है कितनी चलाकी और होशियारी हर इंसान के पास अंदर है। होशियार लेडीज को देखो वो होशियार है, जेंट्स को देखो वो होशियार है, बच्चे देखो, कोई बच्चा है उसके पास में मदद करो, उसके अवतार में मदद करो तो वो खुश है। और कोई लेडी है उसका हस्बैंड नहीं जुड़ा हो, उसका ध्यान आपने करना है कि मेरा उसके साथ संबंध है। उसका बच्चा नहीं जुड़ा तो इसका काम करना है क्योंकि मेरा बेटा। मतलब है कि सतगुरु ना हुआ एक बड़ा तगड़ा नौकर हुआ। आपको बेसिकली सतपुरुष भी नौकर चाहिए, सतगुरु भी आदतें पड़ गई जन्मों जन्मों से, ये नहीं चाहते। और फिर तुम सिर्फ सतगुरु को इसलिए पकड़ रहे हो कि हमें कोई बीमारी हो तो वो ठीक करे, कोई काम रुका तो वो ठीक करो, सर्विस नहीं लगी हो तो सर्विस। बाबा वो कैसे तुम्हारे जो पीछे तुमने किया है उसके मुताबिक ही मिले, उससे ज्यादा ये काम नहीं मिले। हाँ अगर तुम सच्ची तरफ चले हो पूरा अपनी श्रद्धा से, मांग मत करो, जो खुद मदद हो जाए तो बहुत ही अच्छी हो जाती। लेकिन जब तुम मांग पे मांग और फिर ठीक हुए तो बस फिर ना मालिक की चिंता ना फिर वही संसार की गपशप, फिर उसी संसार में तुम डूब जाते हो। कैसे बनेगा भक्ति, कैसे हो? भक्ति में आकांत सबसे आवश्यक चीज, और आकांत का मतलब नहीं बॉडी आकांत में हो, तुम्हारी सुरति को आकांत में हो। सुरति किसी विचार को ना पकड़े, सुरति मन के किसी काम को ना कहे, मन बुद्धि चित्त अहंकार की कोई बात न सुने, तब तुम शांत हो, अकांत हो। अकांत हो तो फिर शांत हो, अगर तुम अंदर से अकांत, बॉडी को बैठा दिया और विचार पे विचार चल रहे हैं, जैसे बीमार है तो क्या हो? वो बस अपनी बीमारी को लेकर बैठा, जो आता उसको खूब लंबी कहानी सुनाता और बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बताता, और अगर जरा सी कोई आगे से कहता नहीं अब तो बड़े ठीक हो, वो कहते नहीं 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 मैं ठीक नहीं, ये मत को, ये झूठ है, मैं बहुत सख्त बीमार हूं, मैं बहुत सख्त बीमार थी, बहुत सख्त बीमार। वो बीमारी को बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है, ना किसी इष्ट को बड़ा बनाना बताना चाहता है, न मालिक को बड़ा कहना चाहता है, न सतगुरु को, न गुरु, सब भूल जाता है। ये दिखावे की भक्ति में फिर क्या मिले? जब दिखावे है मान प्रतिष्ठा ये चाहते हो तो क्या भक्ति? फिर किसको दीक्षा देनी किसको नहीं देनी? चुप्पी ही साधनी अच्छी रहती। इसलिए अंदर तेरे सपने रहते बाहर आशा तृष्णा का साथ, अंदर बाहर दोनों के, जब तुम्हारे अंदर के सपने गे बाहर की आशा तृष्णा गई, तुम्हारी बीमारी आई कोई बात नहीं, उसे टॉलरेट किया, हाँ दवाई खाओ कोई कोई, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठो, उसी में मत सारे उलझ जाओ, ये अडम। इसका मतलब है तुम वो मिडल में पड़े हो कि जिसका फिर जन्म मरण नहीं छूटे। और फिर तुम कहोगे मैंने तो बड़ा पूर्ण गुरु, गुरु पूर्ण किया, क्लास ज्वाइन करी पर क्लास कभी अटेंड ही नहीं करी। साल के बाद पेपर आएगा तो वो चुनीलाल जी की तरह पूरा फिर वो पेपर ही लिखो, वो मैंने इस बात सुनाई,
फिर वो बेचारे पढ़ नहीं पाए, पता नहीं सातवीं तक कैसे उन्होंने पास किया था, तो आठवीं में तो उन्होंने पेपर ही लिखा पूरे साल के फाइनल। बॉडी उनकी ठीक ठाक थी, फिट फाट, कुश्ती भी करते थे, रेसलियर थे, लेकिन पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं। और फिर जीवन में पोल्ट्री फार्म खोल। इसलिए प्यारी सत्संग जी सतपुरुष कहते हैं, ये तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा, फिर बीमारी क्या, शरीर क्या, काम क्या होगी उसके, तो सारा कुछ वही संभाले के कहने की उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। जब पूर्ण सतगुरु पा लिया तो उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, सुरती से पकड़ो वो पहुंच जाएगा। लेकिन तुमने सुरती का कभी इस्तेमाल नहीं किया तो पहुंचेगा कहां, फिर तुम्हें बीमारी लगी तो फिर फोन ही करताओगे और क्या था? ये अटक पर मैं सुनता हूं ऐसी बात, लेकिन दुख भी तो ये आपको बोलता हूं कि ये इसी उसी को पकड़ा तो उसी मिडल तबके में, जिनके बार बार फटाफट, क्योंकि ऐसे शरीर बहुत मिल जाते हैं मालिक को भेजने में, कोई परेशानी नहीं बनती। देवदूतों को उस बाड़ी में तुम्हें पहुंचाने की कोई, मिडल वाले को पहुंचाने में कोई परेशानी। जो तीन एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम संसार में, तीसरे एक्सट्रीम जो है वो संत है और वो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सीधे निज घर जाते हैं या वहीं रह जाते हैं या संसार में भेजे जाते हैं जाओ काम करो। वो न काल में रहे न संसार में रहे, वो तो मां चेतन सुरती धार में बहते हैं और उसी का कहना मानते हैं, आते और जाते। इसलिए चौथी अवस्था मैं जाना ही पा रहा हूं। इन तीन अवस्थाओं में तुम लाभ करो। किसी ने कहा भाई स्वर्ग कहां है, स्वर्ग कैसे मिलता है, नरक कहां है, नरक कैसे मिलता है? बाबा ओंकार भगवान की तरफ चलना शुरू करो भक्ति में, जितना तुम उसके पास आते जाओगे उतना उतने वैसे ही स्वर्ग के पास आ रहे हो। जितना ओंकार भगवान से दूर जा रहे हो, होशियारी चलाकी कर रहे हो, उतना तुम जो है ओंकार भगवान से दूर जा रहे हो और पापी जीवन व्यतीत कर। पुण्य आत्मा बनना है तो जितना तुम ओंकार भगवान की ओर चलोगे तो पुण्य आत्मा बनो, पुण्य शरीर बनोगे, आत्मा तो चेतन होगी, निरंकार की सीमा में जो आत्मा चेतन होती है वो फिर काल में है। हाँ उसके लिए शरीर ढूंढने में परेशानी होती, अगर वो तुरियातीत में पहुंच जाए तो फिर तो उसको ऑलमोस्ट क्यामत तक तो क्यामत जीवन में, लेकिन जीवन का मिलता सुन में अटके रहते हैं, कोई शायद शास्त्र सार में अटके हुए हैं, कोई स्वर्गों में अटके हुए हैं, वहां पर भी वही सब चीजें, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, फिर दुख भी है कि वापस संसार में जाना है, अब मालाएं कुमला रही, ये सब कुछ मैं भूल चुका। तुम पुराने सत्संग बिल्कुल ही उनको छोड़ दिया है। मैं कल एक पुराना भजन में लगाया था, साल पुराना, तो बड़ा प्यारा मैंने पूरा सुना और आप सुनने वाले से 36 थे, जरा सोच लो। मैं दे रहा हूं पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड में सुनने वाले 36 मिले और 37 नहीं हुए। तुम अगला देख लेते हो सत्संग, पिछले छोड़ देते हो और सीखते कुछ भी नहीं, पाते कुछ भी नहीं। ये अडम मेरे को, तो मैं इतने ग्रंथ लिख दिए क्योंकि मुझे हुक्म मिला, मैं काम करता हूँ वही लिखाते हैं, तो मैं तो काम करना। ये भी जो मैं अभी ये कल मैंने को 20 मिनट में, आप मानेंगे नहीं, मैंने 20 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगा हुआ मैंने 16 दोहे लिख दी, आधे घंटे में 16 दोहे लिख दी। लेकिन तुम संसार में इतने उलझे हो कि कोई सतगुरु का भजन सुनता हो तो
तुम आते ही उसका मोबाइल ऑफ करो, ये क्या सुन रहे, ये कोई सुनने की चीज है? उसी में सारा रस है, उसी में सारे का सारा मेरे विराग और प्रेम है, उसी में भक्ति है, उसी में आनंद है, उसी में मेरे विराग। और वो तुम आके फटाफट, अब तो वो जो देख लेता तुमको आते वही वो फटाफट, अगर गलती से नहीं देखा तो तुम पर फटाफट ये किसने लगाया, वो दौड़ते हैं बेचारे के मैं बंद करते हैं, पर तुम खुद ही बंद कर देते। देखो, लेकिन मैं सत्संग देना बंद नहीं करूंगा। ऐसी आत्मा अगर कहें हमें निज दाम मिले तो कैसे मिले, ऐसी आत्मा कहें हम पर सतपुरुष खुश हो जाए तो कैसे हो जाए, ऐसी आत्माएं कहें हमारे पास सतगुरु कैसे, ये अडम बता। तुम्हें सिर्फ नेतागिरी चाहिए, और यहां कोई मेरी संगत में कोई भी नेता नहीं, कोई भी यहां सेवादार है कोई तो बस है, नेता कोई यहां नेतागिरी किससे करनी है, क्या करना। मैं यहां कोई सत्संग ही नहीं दे रहा, यूट्यूब में भेज रहा हूं सुन लो, मैं यहां नहीं बैठाऊंगा कभी भी, क्योंकि यहां तुम पॉलिटिक्स करते हो, वो नहीं बंद कर। यूट्यूब में दो बार जितनी देर मुझे हुक्म है सुन लो, चलना है चलो, नहीं चलना ना चलो। अब ग्रंथ भी आपको पूरे जितने मैंने लिखने थे वहां आखिरी लिख रहा हूं ये, लेकिन ये क्या पता मैं दे के जाऊं या मेरे पास जो है वो दे, इसको इसका कोई मैंने निर्णय नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें जगाना इस संसार में जो कल युग इतना भयानक है, और गर्मी देख लो इस साल कितनी पड़ रही है, दिखा रही है क़यामत की दुनिया की तरफ चल पड़े, ये बढ़ेगी हर साल घटेगी नहीं, तुम लाख यत्न करो क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो गई। और कल पिछले जो मैंने प्रवचन दिए तो तुम वहां परेशान हो कि बाबा पत्थर इतना तर और सुन साले, ये सच बोल, जो सबसे आखिर में चीज निकलती है किसी से उसकी कितनी स्पीड होती है, अब अंदाजा ना उसने कितना जोर लगाया अपने आप को बाहर निकालने। एक आदमी पांच आदमियों में दबा हुआ हो नीचे और स्पेस एक हो और उनमें से वो रास्ता बनाए उनको पीछे करे, कितनी उसको अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जो अपने से आगे एक है उसको पीछे करे, अपने से दूसरा है उसको पीछे करे, अपने से तीसरा है उससे निकले, चौथे से निकले, पहले से तो निकला है तो फिर उसने दूसरे से निकलना, दूसरे को भी बाहर करता, पर उससे निकल रहा है उसको पीछे कर, फिर तीसरे से बाहर निकल रहा है, फिर चौथे से बाहर निकल रहा है, और फिर वो उसकी स्पीड देख लो ना, वो अपनी स्पीड से सुन से धरती सुन से जब निकली तो क्या हुआ, पवन में है आप, अब पवन से उसने छुटकारा करना है, फिर एनर्जी लगानी है पवन से, पवन के बाद फिर अग्नि तत्व है उससे अपनी एनर्जी यूटिलाइज करनी है, उससे बाहर आना, अग्नि तत्व के बाद जल तत्व बैठा हुआ, ये वही हुआ कि चार लेयर है उनको काट के आपने जो है ना अभिमन्यु की तरह अपने चक्कर व्यूह में दाखिल, इसी तरह लेयर होती है, चक्कर व्यूह क्या है लेयर, इसी तरह ये लेयर्स हैं, ये जो पांच तत्व जब बाहर निकलते हैं तो इन लेयर से निकलते, पहले सुन से निकलना है, फिर पवन से निकलना है, फिर अग्नि से निकलना है, फिर जल से निकलना है, और तुम धरती बननी तो उसकी स्पीड फास्ट नहीं होगी तो कैसे बाहर निकलेगा पहले। इसलिए एक एक चीज जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ साइंटिफिक होती है, मैं नहीं किसी की उदाहरण दे के नहीं बोलता, पूरी साइंस के मुताबिक बोलता हूं। पंखे को चला के देख लो, पहले थोड़ा वन पे रखो तो तीनों पर तुम्हें दिखाई देंगे पंखे, और बड़ा देखा कि सोच के बनाया हुआ है, तीन पर लगाए, ज्यादा नहीं लगाए क्योंकि तीन ही सफिशिएंट है, और बराबर का स्पेस छोड़ा होता है,
बराबर इक्वल स्पेस। अगर तीन से ज्यादा रखोगे तो नीचे हवा नहीं आएगी, ऊपर ही हवा जाएगी। तीन से नीचे आएगी वो रोक लेती है और नीचे प्रेस करती है, वह हवा भर जाती है स्पेस में, वह फिर नीचे प्रेस करती है। हर जगह एनर्जी चाहिए, जो वो स्पेस में भर जाती है यार वो नीचे प्रेस करती है आने में, और वो ऑलमोस्ट सारा ही यूनिट जो है वो फेल हो जाता है। ज्यादा फास्ट चला के देखो तुम्हें हर जगह फैन के ब्लेड ही दिखाई दे, तीन ही दिखाई देंगे, आप पूरा भरा हुआ दिखे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कहाँ है। इसलिए कहा कि बाबा धरती के कण सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में है, इसलिए तुम्हें वो गोल दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, रेता दिखाई देता है, चट्टाने दिखाई देते, वो सब बड़ी फास्ट स्पीड में घूम रहे, पानी उससे कम में घूम रहा, अग्नि उससे कम में घूम रहे, वायु उससे कम में भी तुमको तो वायु तो यहाँ से बादल बनाती है, दूर दूर चली जाती। बाबा पत्थर इतने अरसे में इस यूनिवर्स के चक्कर काट के आ जाता है, जितनी देर में यहाँ से बम्बे हवा पहुंचेगी ना तो पत्थर के एटम जो है वो इन तीन लोगों का भ्रमण करके वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी उसकी अवस्था है, ऐसी उसकी स्पीड है। अब फैन थोड़ा वहां चला जाएगा लेकिन उसकी स्पीड वही है, पत्थर थोड़ा वहां चला जाएगा नहीं लेकिन उसकी स्पीड ये बताती है कि अगर उसको खुला छोड़ दो तो वहां पहुंच जाए। वो उस पत्थर जो बना हुआ वैंगु में उसी की ग्रेविटी में, उसकी सारी ग्रेविटी सेंटर में बनी, सेंटर क्या करता है, इसलिए न्यूक्लियस देखो कितना काम करता है। इसलिए बहुत साइंस है, कोई छोटी सी बात बता दो, तुम जो है ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जितने बाकी है न्यूक्लियस है ऑर्बिट्स में या सब ऑर्बिट्स में, पत्थर के सारे कण ऑर्बिटों में घूम रहे हैं, अपने अपने यूनिट में ऑर्बिट बने, कई ऑर्बिट्स हैं और कई यूनिट्स हैं बीच में एक पत्थर, और सब गतिशील एक दूसरे की गति को फिर रोकते हैं तो वह पत्थर के नमा रहते हैं। इसलिए बड़ा कुछ है, एक पत्थर के बारे में तुम्हें जानकारी दूं तो बहुत टाइम लगे, बस इतना ही बोलते हैं कि तुम उन चक्रों में ज्यादा न पड़ो, पर इतना है कि सबसे ज्यादा मोशन में पत्थर, चट्टाने, लेकिन वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम चल रहा है, न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमे, जिस तरह सैटेलाइट आकाश में न्यूक्लियस में घूम रहे हैं सारे, सन केंद्र है न्यूक्लियस का और सन का न्यूक्लियस पर दूसरा सन, सबका केंद्र। इस तरह से ये पत्थर समान, जिस तरह ये सारी यूनिवर्स अगर तुम देखो तो पत्थर समान है, फैलाव है उसका तो तुम देख रहे हो, ये पूरे का पूरा एक पत्थर समान है, तीन लोग इस तरह से कनेक्टेड है, और सबका न्यूक्लियस, पहले सब न्यूक्लियस है फिर उनका कनेक्टेड न्यूक्लियस है, उससे बात करते, पहले अपना न्यूक्लियस, हर चीज का अपना न्यूक्लियस, धरती का अपना न्यूक्लियस, हर प्लेनेट का अपना न्यूक्लियस, फिर उस न्यूक्लियस के बाद जब उनका अपना कनेक्शन जुड़ता है, जैसे सेवन प्लेनेट जुड़ते हैं तो कुल में फिर उनका बाकी से जुड़ता है, तो ये सब जितना भी यूनिवर्स है ये न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब है एक केंद्र है और परिधि, केंद्र और परिधि दोनों चीजें काम करती हैं, तो जब काम चल रहा है तुम्हारे अंदर भी वो चीज, इस बॉडी के पूरे ये सेल जुड़े हुए हैं, सेम प्रोसेस, तभी ये जुड़े, नहीं तो बिखर बिखर के पड़ जाए। हर एक यूनिट में न्यूक्लियस बना वहां बात कर, तुम्हारी बॉडी भी रेस्ट में नहीं, अंदर तभी देखो जहां देखो कोई जख्म होता है कुछ होता है तो वो सड़ जाती है, क्योंकि उसका कनेक्शन न्यूक्लियस से टूट जाता है, कई बार वो न्यूक्लियस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो न्यूक्लियस फिर उसको रिवाइव कर,
फिर उस पूरे 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 यूनिट को सरवाइव करता। तो बॉडी उसी तरह है जिस तरह, तभी कहा जाते हैं ब्रह्मंडे तक, जिस तरह हमारा तन है वैसा ही ब्रह्म, जैसे अंडे जैसे ब्रह्मंड, जैसे ये जो हमारा बॉडी बनी है वैसे ही ब्रह्मंड बना, सेम प्रिंसिपल। इसमें भी वही पॉइंट था तो वैसे है, और जो सॉलिड है उसकी स्पीड बहुत है, लिक्विड तो लिक्विड किस है, अग्नि की बहुत है। इसलिए शून्य से आगे चलते तो स्पीड बढ़ती है, और जब आप धरती से वापस इनसाइड चढ़ते तो स्पीड घटती है। तो प्यार सत्य कर्म धर्म ध्यान प्यार, ये जो कर्म करते हो धर्म करते हो ध्यान प्यार हो, एक दिखलावा ज्ञान, ये दिखलावा ज्ञान नहीं। क्यों दिखलावा? कर्म जब तुम करते हो तो वो सारे का सारा तुम घर वालों को दिखा रहे हो, मैं आज ये काम किया, मैंने इतने पैसे अर्न किए, संसार में पद प्रतिष्ठा, वो अपना रोबा दिखा रहे हो, टाई सूट पहन के, बालों को लिशका के, चश्मा साफ करके, पर देखते हो बड़ी बड़ी अकड़ और ध्यान से दूसरे को। तो ये है कर्म। कर्म में आप बाहर दिखलावा करते हो, मन है जहां दिखलावा है मन, धर्म का काम करते हो तो वहां पर भी क्या भीड़ जुटलाते हो, धर्म के काम में भीड़ जुटलाते हो कि तुम्हारे को कोई सुने, और एंड में वो पॉलिटिक्स पे खत्म होता है। चाहे कहीं पर भी हो, जहां झुंड है वो एंड में, उसका जो एंड होता है वो पॉलिटिक्स में। ध्यान ध्यान में जाते हो तो वही जो बाहर भीड़ है वो तुम्हारे अंदर भी वही है, मन जो है अंदर बाहर एक हो जाओ, ये हो गया यहां है अंदर बाहर, भीड़ बाहर है भीड़ अंदर। जब तुम ध्यान में ऐसे ही जाते हो, जब तक पूर्ण दात ना मिली हो तो कोई ध्यान का मीनिंग ही नहीं है, वो ध्यान भी वही है, अंदर तेरे सपने रहते बाहर तेरे अपने। तभी मैंने कहा था नो सपने, कहीं सपनों से नहीं आ पा रही, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। कोई गलत नहीं लिखा है, जो ग्रंथ हुई तरह से इसकी आज मैंने गाया नहीं, क्या गाना आप तो मोबाइल ही बंद कर देते हो, कोई बात नहीं बंद करो कोई, मैं कभी खुद भी सुनता। कर्म धर्म ध्यान प्यार एक दिखलावा जान, जब विचार ही विचार नहीं छूटे तो विचार बिना व्यानाम शब्द की दाद के नहीं छूटते, तुम लाभ कर। इसलिए तुम उन लोगों को बड़े बड़े शान से सुनते हो, और वो भी बड़ी गर्दन ऊंची करके आपके सामने आते हैं, वाह हमने चार चक्रों के बारे में, सात चक्रों के बारे में, बाबा सातवें में काल तक ही रहना है, आठवें चक्र में जाओगे तो फिर मोक्ष है। बिन पूर्ण सतगुरु कोई जाने नहीं, कोई लाभ करे उपाय। सात चक्र में काल प्यारो, अष्टम में मिलता निदाम रे, तासे आत्म जागते प्यारो, महाचेतन में वासा जान, महाचेतना में समाना है पूर्ण सतगुरु से मिलना पड़े। तुम लाख कोशिश करो, यत्न करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं मेरा घटने वाला। इसलिए मेरा काम तुम्हें समझाना है, कर्म धर्म ध्यान प्यारो एक दिखलावा जान रे, बाहर तो धोखा अंदर धोखा अपने से करना जानते, अपने आप से तुम कर रहे हो, बाहर धोखा अंदर धोखा, बाहर दुनिया को तुम अपना रूप दिखलाते हो, अपनी अकड़ दिखलाते हो, अपना पैसा दिखलाते हो, और उसके बहाने उनसे उनको लताड़ते हो, और अंदर भी वही, अंदर जब जाते हो तो जो घर वाले होते हैं उनको सताते हो, और जिस संस्था से जुड़े हो वहां अपनी जगह बनाते, वहां अपना नाम बनाना चाहते हो किसी तरह ना। जब ऐसी दशा मैंने भी देखी तो संगति छोड़ दी, छोड़ी दिया सबको, नेतागिरी ना मैंने बचपन से की, ना करता हूं ना करूंगा, ना मैंने कभी किसी की मानी, ये भी पता
मैं बचपन से आज तक किसी की नेतागिरी नहीं मानी। मैंने किसी के सामने वैसे सर नहीं झुकाया जिससे गुलामी की बू नजर आए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब इस आश्रम में मैं कभी सत्संग नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लोगों में स्वयं नेतागिरी के कोई चीज रही नहीं, उनके पास कोई सेवा भाव नहीं है। जिधर देखता हूं कर्म धर्म नजर आते हैं, पर उनमें भी धोखा प्यारो अपने आप को बरमाते। कौन जगाए ऐसे संसार? हर आदमी नेता बनने की चेष्टा कर रहा है पूरे ब्रह्मांड। अगर कोई कहे तुम दूसरे की आंखें दो निकाल के आओ तो मैं तुम्हें ये ओहदा दूंगा, तो वो आप काम कर देते। इस ओहदे पद और प्रतिष्ठा के लिए तुम किसी को भी बड़ी से बड़ी गाली दे सकते हो, बड़े से बड़ा दुख दे सकते हो, बड़े से बड़ा अपमान कर सकते हो, बड़े से बड़ा किसी को सता सकते हो। सिर्फ तुम्हें पद चाहिए। क्यों पद चाहिए? पैसा है, पैसा चाहिए कितनी देर तक? राजा और राम कभी इस संसार में आए, किसी का कुछ दिखता नहीं, सबने अपने लिए कब्रस्तान, और आप देखो शमशान घाट बनाए, कब्रस्तान और शमशान घाट ही बने। इस नेतागिरी से क्या मिला कभी किसी को? धोखा ही धोखा हर जहां करे भी जहां मन, सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सारा। एक सतगुरु ये हो जाओ सब पा जाओ। सतगुरु भी नहीं हुए तो तुम्हारी नेतागिरी किस काम की हो जाएगी? फिर वही संसार ढूंढते हो यहां पर नहीं। यहां एक ही है, समर्पण हो गया सब कुछ ही तू पा गए। समर्पण करने से सब पा जाता है, आशा तृष्णा आने से संसार में डूब जाता, कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर धोखा अंदर धोखा अपने से करना जान दे। जब तक वह नाम शब्द की दात नहीं प्यारो हरदम सोया जान। जब तक जो मेरे पास दात है वो किसी गुरु की नहीं, किसी सतगुरु की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी ओंकार भगवान की नहीं, वो है ही चौथे लोग सतलोक अमर लोक बेगमपुर के सतपुरुष की दात। जहां दात भी पाई दर्शन भी पाए, उस लोक लोकांतरों में जो पहुंचे हैं उनसे भी भेंट हुई और वहां अमृत भी पाया। इसलिए आत्मा भी कभी कभार सतपुरुष देते हैं तो वो खा भी लेती है पी भी लेती है, और मैं वहां अमृत पी के आया, जैसे चाय पीते वैसे अमृत पिया, और उसी के कारण इतनी ऊर्जा है और मैं इतना लिखता हूं और इतने ग्रंथ लिखे गए और मैं बोल रहा हूं। ये आखिरी ग्रंथ होगा, इसके बाद मैं मसी कलम पकड़ू ना, अब ना लिखे मेरे हाथ, अंदर से कुछ विचार ना दूं मैं, बस उसी संग जुड़ी रहता, बस उसी के साथ अब तार जोड़ूंगा। आखिरी ग्रंथ जब वो कहेंगे अब खत्म, तो खत्म, फिर आगे नहीं। जब तक ये दात तुम नहीं संसार में पाओगे, और इसलिए बोला इस बैनाम से कि आज तक मैंने नहीं सुना कि सतपुरुष ने किसी को खुद दात दी हो और उसने ज्ञान फैलाया। वो एक कबीर साहब हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं, पर वहां पर भी बड़ी अडंबना है।
उन्हें उन्हें एक तरफ निरंकार भगवान को बड़े खुल के उनका महत्व गाया है, और उसमें जब सत्पुरुष का आता है तो वो डूब जाता, फिर लोग भ्रम में पड़े। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं निरंकार भगवान को निरंकार भगवान का स्थान दे रहा हूं, सत्पुरुष को सत्पुरुष का स्थान दे रहा हूं, गुरु को गुरु का स्थान दे रहा हूं, सतगुरु सतगुरु। सो ही जानिए जिस सत्पुरुष को पाई दात, सतगुरु वही है जिसने सत्पुरुष से दात, बाकी तो ऐसे नाम रख दिए उन लोगों अपनी शान के लिए। वो शान चाहिए, मान चाहिए, लेकिन फिर ब्रह्मांड में लटक जाते हैं। तुम्हें थोड़ा पता चलता है, वो मुझे ही पता चला ना कैसे लटके हुए। इस गले भाई ने देखे लटके हुए और मेरे पास भी आए, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलता। इस गधे भाई के पास भी आए थे मोक्ष दे, उनमें से सिर्फ एक को ही निज धाम पहुंचाया। बाकी जिसने साफ गोई से काम किया, कोई लोगों को भरमाया नहीं, जो कुछ पास था उसकी बात करो, पर वो कबीर साहब को नहीं समझ पाए। उन्होंने कबीर साहब के ऊपर लिखा, लेकिन वही दोए पकड़े जो निरंकार की सीमा के दोए थे, वही उठाए, और कहीं सुरती ले लिया तो सुरती आत्मा को थोड़ा सा उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उससे ज्यादा वो कर नहीं पा। इसलिए जब तक वैनाम शब्द की दात नहीं प्यारो, हरदम सोया जान, लोग गवाया दान, दान से लोग कहते दान दे, दान कृत आया कहां से तुम्हारे अंदर, मन ने दिया। जो चीज मन के द्वारा आई हुई की जाए वो भक्ति में शामिल नहीं होती। एक आदमी बड़ा पैसे वाला है और वो बड़े मंदिर बनवाता है, मस्जिदें बनवाता है, गुरुद्वारे बनवाता है, लोगों को दान देता है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, लोग सुखी पर लोग सुहेला कर रहा है कि मेरा लोग तो सुखी है, मेरी तीन पीढ़ियां भी खाएंगी, मैं इतनी दौलत छोड़ जा रहा हूं। तो ये अब वो क्या जगह बना रहा है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये चीजें बनवा रहा है कि बाबा मुझे स्वर्ग में जगह मिले, यहां से जाऊं तो अपना नया घर मुझे जो मिले वो स्वर्ग मिले। वो अपने नेक घर की स्थापना करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो कृत तुम अपने मान आशा तृष्णा के लिए करते हो, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, वो बंधन है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु दोनों कारण बंधन। बंधन में बाबा नानक ने कहा, बंधन से नहीं निकलो। मीनिंग है कि स्वर्ग लोक भी उसको मिलता है प्यारे सत्संग जी, जिसने सब कुछ तजा और ओंकार भगवान को पकड़ा। तभी कहा, तजो भरम बजो पार भरम नानक के सच्चे दर, जिन जाना तिन रंग मान, बिन जाने क्या हरा दी अंधा अंध कमा। तो बाबा बाबा नानक ने भी इस काल भगवान के बारे में बड़ा कुछ लिखा, निज नाम का तो बहुत थोड़ा लिखा, वो किसी ने जाना नहीं पकड़ा। क्यों कि निज नाम का जब पकड़ोगे तो बिना सतगुरु के होता ही मिलता ही, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। निज नाम का सफर बिन सतगुरु होता ही, निज नाम का सफर बिन व्यायाम होता ही, और जब तक कोई सतगुरु पूर्ण ना हो व्यायाम मिलता ही। दो आदमियों ने ही पाया, एक कबीर ने और इस गधे भाई सतपुरुष, और किसी ने नहीं पाया। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है, जब तक वैनाम शब्द की दात नहीं प्यारो, हरदम सोया जान, जब तक ये दात नहीं पाओगे तुम सोए, तुम लाख ओंकार भगवान के सुन में लटके रहोगे, कोई बात नहीं, शास्त्र सार में चले जाओ, कोई बात नहीं, फिर धरती पे आना और जन्म पाना। तीन लोक का हर कोई जीव
तन और मृत्यु से छूटा मत जान, उसको तन भी मिलेगा और मृत्यु भी। निज नाम का जो बन जाता प्यारो, उसकी मृत्यु मृत्यु और जन्म दोनों छूटे जाते, उसकी मृत्यु भी छूट जाती और फिर तुम दीक्षा पा के बस शरीर को पकड़ते हो तो फिर काल में वापस आ गए। फिर उसके लिए दौड़ धूप लग गई, सदगुरु को फोन करो, फलाने को फोन करो, डिंगे को फोन करो, बस वापस चले उसी समय। मैं 20 साल से कोई मेडिसिन नहीं लेता हूं, कोई नहीं ली और ना लूंगा, ना किसी डॉक्टर से मेरा कोई संबंध किसी दवाई के लिए, कोई मेरा लेन देन नहीं किसी दवाई से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई झूठ मूठ भी मुझे ले जाए डॉक्टर के पास पकड़ के, तो मैं कुछ भी उसका नहीं लेता हूं। मैं सिमरन के सिवा कुछ नहीं करता हूं। और मैंने कुछ इस कोरोना में हर आदमी ने डर के एक टीका दो टीके लिए, इस गधे भाई ने कुछ भी नहीं, कोई लेन देन नहीं, जाना है तो जाऊंगा तैयार कर। किसने ये भी कहा तुमसे किसी दूसरे को लग जाए, फिर हमने कहा हम शमशान घाट में जाके लेट जाए, अंदर से बोला शमशान घाट में जब जरा सी भी तकलीफ दी तो हम उधर सोएंगे, शमशान घाट में सोएंगे, शमशान घाट के अंदर नहीं बोलता नहर के किनारे सो जाए। तुम किसी को मिलेंगे, इसलिए प्यारी से सिंह जी जे तुम मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो, ऐसी भावना जब आएगी तो फिर तुम किसी के नहीं, तो तुम सब वही उसी ढंग से जुड़े हो। अब ज्योति सतपुरुष ज्योत रूप प्रकट हुए तो लोगों को वह पड़ गया ये क्या हो भाई, इसका इतना धन्यवाद सतपुरुष का हमें धरती पर करना चाहिए कि इतनी इतना बड़ा काम उन्होंने हमारे और संशयों को मिटाने के लिए ये किया और आपके संशय बढ़ गए। उस ज्योत के कारण आपके संशय बढ़ गए कि बाबा ये किसी दूसरे के घर में ज्योत उत्पन्न हुई हमारे में उत्पन्न होनी चाहिए। भाई जहां सतपुरुष की मेहरबानी होगी, जहां सतपुरुष को कोई पूर्णता से पकड़ेगा वही होगी ना। तुम सतपुरुष को पकड़ा ही नहीं, सतगुरु को पकड़ा ही नहीं तो तुम्हारे घरों में कैसे ज्योत उत्पन्न हो। जहां कोई मेरा भजन सुनना चाहता है वहां आपको इतनी तकलीफ होती है जिसका अंदाज ही नहीं, तो वो सतपुरुष तुमको हमारे घर में वजूद उत्पन्न करे, जरा सोचो तो सही। तुम चाहते क्या हो और करते क्या हो ये सोचो जरा, यही तो संसार का सब कुछ है। वो चाहता कुछ और है और करता कुछ और है, मन से कुछ और कर रहा है और सुरती को वैसे ही कह रहा है मैं सुरती बात मैं सुरती ही से कर। एक चीज और बोल दू, किसी ने मुझे कहा एक दो बार आ मैं उत्तर नहीं, मुझे सत्संग में आता तो आज आ गया मुझे उसकी तरफ ध्यान। किसी ने मुझे कहा जी हमने तो सतपुरुष को जाना नहीं, हमारे लिए सतपुरुष भी आप है सतगुरु भी आप है, तो मैं उत्तर दे रहा अगर इतना नहीं आपको पता लगा तो इसका मतलब है आपका ज्ञान जो है वो अधूरा है, उस ज्ञान का आपने लाभ नहीं लिया। जो सार शब्द है और सुरत शब्द है सुन लो मेरी संगत वालों ध्यान से, ये सतपुरुष है उन्हीं की सुरती है, वो क्या सतपुरुष चाहिए तुमको, वो सारे का सारा ज्योत स्वरूप है उसको ही अंदर उत्पन्न करना है तो वो प्रकट हो जाते हैं, उसी से तो वो प्रकट होते हैं, और किससे वो प्रकट होते, वो कोई दौड़ के थोड़ा कहीं और से आएंगे, तुम इसी शब्द के सिमरन से हो। जैसे वो अनेक पुरानी कहानियां बनी हुई थी कि किसी ने एक दीपक को कहा, वो एक देव ने कहा मेरे इस दीपक को अगर रगड़ोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, या किसी गुरु ने किसी शिष्य को दिया ये दीपक ले जाओ इसको रगड़ना, रगड़ करना तो देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, तो रगड़ से देव प्रकट को फिर हुक्म देते थे जाओ भाई फलाना काम करो। प्रेत ऐसा ही कर रहे हैं ना, जिन्होंने तांत्रिक लोगों ने प्रेत अपने बस करे तो तांत्रिक क्या करते,
जरा सा इशारा करते हैं और प्रेत भागा हुआ आता है और वो कहते हैं राग बना दो, वो राग बनाता चला जाता है और आप भूति देते बढ़ते चले जाते हो। वो प्रेत ने राग बनाई हो तुमने, वो बड़ा तगड़ा प्रेत, वो साधारण प्रेत ने, और तुम्हारा काम हो गया और तुमने दुनिया को भरम में डाली। संत ऐसा काम कोई नहीं करता, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें विभूति बनानी है, जिसमें कुछ करना। एक ही चीज होती है संत के पास, उसके अंगूठे पांव के अंगूठे का चरणामृत कोई बना ले, बस उससे बढ़कर कोई चीज नहीं दुनिया। लेकिन मैंने एक आधी बारी ऐसा परमिशन दी किसी को, फिर नहीं मैंने ऐसा बना लेते। इसलिए सतगुरु के पास चरणामृत होता है और चरणामृत पांव के अंगूठे से बने, तो उस जैसा कोई चरणामृत दुनिया में नहीं होता। और एक होती है ये फर्स्ट फिंगर, इससे भी इससे चरणामृत बनेगा वह 90% होगा, 100 नहीं। जो पांव के अंगूठे, राइट हैंड पांव के अंगूठे से जो चरणामृत बनता है वो 100% होता है। वो डिटो जैसे सतपुरुष बनाते हैं वही, जो निज दाम में मिलता वही होता। पर मैंने अंगूठे से धोने दिया, चरणामृत नहीं बनाने दिया किसी, वो भी कोई दो बार बस, उसके बाद चरणामृत नहीं किसी को मैंने दी, क्योंकि वो है ही अमृत, वो दे ही नहीं सकता, वो सतपुरुष से देगा, वो सतगुरु नहीं देता। इसलिए तुम्हें कहा जो सुमे दो दिए हैं आज तक ब्रह्मांड में, कबीर साहब के पास भी सार शब्द था, सूरत नहीं थी। इस गले भाई के पास दो है, सार शब्द और सूरत शब्द, और ये दोनों मैंने तुमको दे दिए। इसके बिना फिर अब अगर आप कहते हो कि हमें सतपुरुष नहीं मिले तो ये आपकी भूल है। मैंने तो आपको सतपुरुष साथ दे, मैंने दिए ही आपको सतपुरुष और कुछ नहीं दिया। मैं तो इधर बैठा हूं सतपुरुष पद पर, आपको उसको जितना स्वास्थ्य में डालोगे वो उतने पास होते जाएंगे। जिसने डाला वहां की वहां ज्योत में प्रकट हो गए, जिसने समर्पण कर दिया सतगुरु के आगे उसके हाँ ज्योत जगी। और ऐसे थोड़ा चाहिए, समर्पण चाहिए। तुम तो नेतागिरी चाहते तो क्या मिलेगा नेतागिरी से? कभी किसी को कुछ मिला? नेतागिरी से पद प्रतिष्ठा मिलती है संसार में, तो फिर वो तो रास्ता पॉलिटिक्स का है, वो मेरे स्थान में नहीं, क्योंकि मेरे स्थान में तो गुर्बत। मैं एक पेंशन लेने वाला उससे देता हूं। आज भी सुबह मुझे एक इशारा हुआ कि आप फलानी जगह पर 6,000 दे आना, तो मैंने कहा सर जी दे आऊंगा। सत्संग के दो करने के बाद मैं 6,000 किसी जगह किसी के द्वारा भेजने, सुबह हुक्म मिला। मैं तो अपनी पेंशन भी जहां वो कहते हैं लगा दे, कोई किसी के हाँ कोई गड़बड़ होगी तो वहां उनको प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ठीक है। उनको पता भी नहीं होगा और मैं पैसे भेज दूँ, आज ही भेज दूँ, मेरी जेब में पड़े, मैंने सुबह जेब में डाल। इसलिए तुम ये कहते हो कि मैं सतपुरुष नहीं हूं, वो तो गाली है सतपुरुष को। तुम अगर मुझे कहोगे कि आप ही हमारे लिए सतपुरुष हो, मान देना बुरी बात नहीं, लेकिन उतना ही दो जितना मैं डिजर्व करता। मैं सतगुरु हूं, सतपुरुष सतपुरुष है, कई सतगुरु आएंगे सतपुरुष सतपुरुष ही रहे। मैं उनका सिपाही हूं, एक हंसा, मैं उनके लिए ड्यूटी संसार में दे रहा और मेरा कोई धर्म नहीं है। मुझे मत कोई हिंदू समझे, मुसलमान समझे, सिख समझे, अंदर से ही नहीं हूं मैं, बाहर से नहीं कह रहा, मेरा कोई धर्म नहीं। मैं सब धर्मों के लिए आया, जो जागना चाहे मैं हर धर्म वाले को जगाने के लिए आया हूं। इसलिए मेरा कोई से कोई वैर विरोध नहीं, कोई किसी का किसी भी धर्म का होगा है मैं उसको अपने गले लगाऊंगा। यही मेरी परीक्षा है, यही मेरा अवतार।
मैं कभी मतभेद नहीं करता, न करता था, न करा, न करूंगा, ये आपको कह रहा हूं। और आज के बाद सतपुरुष सतपुरुष है, सतगुरु सतगुरु है और साधक साधक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये मैंने आज आपको उत्तर दे दिया बड़ी बात की। अब पहला सत्संग में यही क्लोज कर रहा हूँ। घड़ी भी कहती तो मैं 5 मिनट के बाद पूरे आपके पास दूसरे प्रवचन के लिए आ जाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम, सत साहेब जी सतगुरु सतनाम, सत साहेब जी सतगुरु सतनाम, सत साहेब जी बोल, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।